मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? टुडे वी विल लर्न द फर्स्ट लेसन फ्रॉम ईवीएस। आज हम लोग ईवीएस का पहला लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अबाउट माई सेल्फ। ओके, अबाउट यानी कि बारे में, माई सेल्फ मीन्स खुद के। तो हमारे लेसन का नाम है अबाउट माई सेल्फ यानी कि खुद के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे है आर यू ए बॉय और ए गर्ल। कलर द पिक्चर ए इफ यू आर ए बॉय और बी इफ यू आर ए गर्ल। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर तुम बॉय हो तो ए वाले बॉक्स जिसमें बॉय का पिक्चर है उसको कलर करना है, और अगर जो गर्ल है उसको बी वाला बॉक्स को कलर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया माई सेल्फ यानी खुद के बारे में, यहाँ तुम्हें खुद के बारे में लिखना है। हेलो, आई एम डैश। यहाँ तुम्हें अपना नाम लिखना है। ओके, नेक्स्ट, आई एम ए डैश गर्ल या बॉय। अगर तुम बॉय हो तो ऑप्शन से देखकर बॉय लिखो, और अगर गर्ल हो तो ऑप्शन से देखकर गर्ल लिखो। नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास डैश यानी कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो यहाँ वन लिखो, आई स्टडी इन क्लास वन। मैं वन क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट, आई लाइक टू डैश यानी तुम्हें क्या पसंद है। ओके, अगर पढ़ना पसंद है तो स्टडी लिखोगे, और अगर खेलना पसंद है तो प्ले लिखोगे, और अगर टीवी देखना पसंद है तो वॉच टीवी लिखोगे। ओके, अब नीचे, डैश इज माय कंट्री। तो कंट्री मींस देश। ओके, तुम किस देश में रहते हो, तो क्या होगा, इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया इज माय कंट्री यानी भारत हमारा देश है। ओके, अब आगे, नेक्स्ट, द नेम ऑफ माई स्कूल इज डैश। तो यहाँ नेम मीन्स नाम, माई मीन्स मेरा, यानी मेरे स्कूल का नाम डैश है। क्या लिखेंगे, जुपिटर इंग्लिश मीडियम स्कूल मीन्स मेरे स्कूल का नाम
जुपिटर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब आगे पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू वेयर ए बेबी। पेस्ट मीन्स चिपकाना, योर सेल्फ यानी तुम्हारा, बेबी यानी बच्चा, तुम्हें अपने बचपन का एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, अब आगे सर्कल द कंट्री इन विच यू लिव। सर्कल यानी गोला करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस देश में रहते हो, क्या होगा, याद आया? देखो यहाँ इंडिया, यूएसए, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो हमारा आंसर है इंडिया। तो इंडिया में सर्कल करो। नेक्स्ट, मोर अबाउट माई सेल्फ। माई फादर्स नेम इज़ डैश डैश, मेरे पिताजी का नाम डैश है। तो जो भी तुम्हारे डैडी का नाम होगा यहाँ नीचे फिल करना है। ओके, उसी तरह यहाँ तुम्हारे अपने मदर का नाम लिखना है। ओके, अब नीचे आई एम 10 सेंटीमीटर टॉल, मैं 10 सेंटीमीटर लंबा हूँ। तो तुम कितने लंबे हो यहाँ फिल करना है। ओके, जैसे 100, 120, 130, जो भी तुम्हारा लंबाई है यहाँ लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट, आई वे डैश केजी। वे मीन्स वजन, यानी मैं डैश केजी का हूँ। तो तुम कितने केजी के हो यहाँ फील करना है। जैसे 20, 25, 30, जो भी हो यहाँ लिखना है। ओके, अब यहाँ क्या है, दिस इज़ माई फिंगर प्रिंट, यह मेरा उंगली का निशान है। तुम्हें यहाँ अपने फिंगर में कलर लगाकर उसका निशान बनाना है। ओके, नेक्स्ट, आई एम यूनिक। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज द सेम एज मी। तो यूनिक मीन्स अनोखा या सबसे अलग। नोबडी कोई भी नहीं। वर्ल्ड यानी दुनिया, मतलब मैं सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, द डे ऑन विच ए पर्सन इज बॉर्न
इज कॉल्ड हिज या हर बर्थडे। जिस भी दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बर्थडे। आई वॉज बॉर्न ऑन डैस डे एंड मंथ। मेरा जन्म डैस डेट को हुआ। किस डेट को हुआ? यहाँ लिखो। पहले बॉक्स में डे और मंथ लिखना है, जैसे 5 मार्च या 6 सितंबर, जो भी है लिखना। फिर नेक्स्ट बॉक्स में ईयर लिखना, जैसे 2010, 2012, जो भी है लिखना। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या है? ऑलवेज यूज द वर्ड्स मी, माई, माइन, माईसेल्फ एंड आई व्हेन यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। तो जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये सभी वर्ड्स, जैसे मी, माई, माइन, माईसेल्फ का मतलब मेरा ही होता है। अब नीचे सर्कल द थिंग यू वुड लाइक टू गेट एज ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। अपने बर्थडे पर तुम्हें कौन सा गिफ्ट लेना अच्छा लगेगा? सर्कल करो। टेडी, साइकिल, बैट बॉल, टॉय बस, शूज। लुक एट इट और जो भी है सर्कल करना। नेक्स्ट सर्कल द नंबर विच शोस योर करेंट एज। अभी तुम कितने साल के हो उसमें सर्कल करना है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। मैं डैश साल का हूँ। 4 years, 8 years, 5 years, 7 years, 6 years, जो भी है फील करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा फर्स्ट लेसन फिनिश हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।